तो हाय दोस्तों वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी विजन वाला में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइड वॉल फायर स्प्रिंकलर एंड पेंडेंट फायर स्प्रिंकलर तो आज हम बात करने वाले हैं साइड वॉल फायर स्प्रिंकलर के बीच और पेंडेंट फायर स्प्रिंकलर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो पहले बात करते हैं पेंडेंट स्प्रिंकलर की तो फर्स्ट पॉइंट है हैंगिंग ओरिएंटेशन तो पेंडेंट स्प्रिंकलर को हम सेलिंग में डाउनवर्ड की तरफ इंस्टॉल करते हैं वाटर की पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पेंडेंट स्प्रिंकलर जब एक्टिवेट होता है तो वो डाउनवर्ड की तरफ वाटर को स्प्रे करता है और फायर को जल्द से जल्द एक्सटिंग्विश कर देता है नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेशन तो पेंडेंट स्प्रिंकलर हीट की वजह से एक्टिवेट होता है और हर एक स्प्रिंकलर को बनाया गया है स्पेसिफिक हीट सेंसिटिव एलिमेंट से और स्प्रिंकलर में लगे ग्लास बल्ब का ब्रेकिंग पॉइंट होता है उनका एक टेम्परेचर सेट होता है और जब हीट यानी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्लास बल्ब ब्रेक हो जाता है और वाटर स्प्रे करना शुरू कर देता है और ग्लास बल्ब की जो टेम्परेचर रेटिंग होती है वो उस स्पेसिफिक एरिया के बेस पर होती है जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा इन सभी जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर पर एक्टिवेट होने वाले स्प्रिंकलर इंस्टॉल किए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है है कवरेज एरिया तो पेंडेंट स्प्रिंकलर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब वो एक्टिवेट होता है तो वो वाटर को सर्कुलर फॉर्म में स्प्रे करता है एक सर्कुलर एरिया को कवर करता है और कितने एरिया को कवर करता है ये डिपेंड करता है स्प्रिंकलर के हेड पर स्प्रिंकलर के डिफ्लेक्टर और स्प्रिंकलर की शेप और साइज पर नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पेंडेंट स्प्रिंकलर तो पेंडेंट स्प्रिंकलर वेरियस टाइप के यानी कई प्रकार के होते हैं जैसे स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलर एक्सटेंडेड कवरेज स्प्रिंकलर और कुछ स्प्रिंकलर को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए जैसे स्टोरेज फैसिलिटीज़ और हाई सेलिंग एरियाज के लिए नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग एंड लेआउट तो पेंडेंट स्प्रिंकलर को इंस्टॉल करते समय सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच कितना डिस्टेंस रहे और उनकी पोजीशन, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ें उसे फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करनी है क्योंकि प्रॉपर डिजाइन की ये इंश्योर करती है कि स्प्रिंकलर कितना एडुकेट और इफेक्टिवनेस है इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस तो पेंडेंट स्प्रिंकलर का आपको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए आपको उसका रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्शन करना उसकी टेस्टिंग करना और ये इंश्योर करना कि वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में रहे और साथ ही साथ आपको ये चेक करना है ये इंस्पेक्ट करना है कि स्प्रिंकलर में किसी भी तरह की कोई गंदगी या जंग या ना लगा हो और उसका हीट सेंसिटिव एलिमेंट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो ताकि किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऑकर होती है तो उसमें स्प्रिंकलर क्विकली और इफेक्टिवली वर्क कर सके तो लास्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर तो पेंडेंट स्प्रिंकलर का यूज रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों बिल्डिंग में किया जाता है जैसे ऑफिस में होटल्स में शॉपिंग सेंटर में और भी अदर इंडस्ट्रीज सेक्टर में पेंडेंट स्प्रिंकलर का यूज फायर प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है ताकि अगर कभी भी किसी भी तरह की फायर ऑकर होती है तो उस स्प्रिंकलर उसे डिटेक्ट करे और क्विकली वाटर स्प्रे करके फायर को इनिशियल स्टेज पर ही एक्सटिंग्विश कर दे तो अब बात करते हैं साइड वॉल फायर स्प्रिंकलर की फर्स्ट पॉइंट है माउंटिंग ओरिएंटेशन। तो साइड वॉल स्प्रिंकलर को वॉल पर माउंट किया जाता है यानी वॉल पर इंस्टॉल किया जाता है वो भी सेलिंग से कुछ इंचेस नीचे और उसको होरिजेंटली पॉइंटेड किया जाता है ताकि वो रूम के ज्यादा एरिया को कवर कर सके फायर ऑकर होने पर तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेशन तो साइड वॉल स्प्रिंकलर भी अदर स्प्रिंकलर की तरह हीट की वजह से एक्टिवेट होता है और स्प्रिंकलर में लगे ग्लास बल्ब यानी फ्यूसिबल लिंक का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जब हीट यानी टेम्परेचर उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच जाता है तो ग्लास ब्रेक होता है और स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाता है और फायर को क्विकली एक्सटिंग्विश कर देता है नेक्स्ट पॉइंट है कवरेज एरिया तो साइड वॉल स्प्रिंकलर को डिजाइन किया गया है होरिजेंटली फॉर्म में वाटर को स्प्रे करके स्पेसिफिक एरिया को कवर करने के लिए और ये कितने एरिया को कवर करेगा ये डिपेंड करता है स्प्रिंकलर के हेड की साइज उसकी शेप और उसकी डिजाइन नेक्स्ट पॉइंट है Types of sprinklers, तो sprinklers various types के के यानी कई प्रकार के होते हैं जैसे standard spray sprinkler और extended coverage sprinkler और ये जो एक्सटेंडेड कवरेज साइड वॉल स्प्रिंकलर होता है ये मॉडल काफी बड़े एरिया को कवर करता है जब फायर ऑकर होती है उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन तो साइड वॉल स्प्रिंकलर का यूज हम ज्यादातर इन जैसे प्लेसेस पर करते हैं जैसे स्टोरेज रूम में ऐसी हॉल जो काफी पतली हो और इसका यूज हम सेलिंग के पास भी करते हैं जहां पर अदर हैंगिंग स्प्रिंकलर लगाना पॉसिबल और इफेक्टिव ना हो तो साइड वॉल स्प्रिंकलर का यूज हम वेरियस टाइप्स के प्लेसेस पर कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर रेटिंग तो साइड वॉल स्प्रिंकलर को डिज़ाइन किया गया है वेरियस टाइप की टेम्परेचर रेटिंग के साथ जिससे ये डिफरेंट टाइप के प्लेसेस के लिए और डिफरेंट टाइप के फायर हिजार्ट को एक्सटिंग्विश करने के लिए काफ़ी सूटेबल होता है बस आपको इसे इंस्टॉल करने से पहले एक्सपेक्टेड फायर के रिस्क को कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से टेम्परेचर रेटिंग को चूज़ करना है लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस तो साइड वॉल स्प्रिंकलर को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हमें इसका रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्शन करना है उसकी टेस्टिंग करनी है और ये इंश्योर करना है कि ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो और साथ ही साथ आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि स्प्रिंकलर में किसी भी तरह की गंदगी डस्ट या जंग ना लगे हों और स्प्रिंकलर का हीट सेंसिटिव एलिमेंट प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में हो ताकि किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऑकर होती है तो उसमें स्प्रिंकलर क्विकली एंड इफेक्टिवली वर्क कर सके और फायर को एक्सटिंग्विश कर सके आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएँ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं